हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हमारी टीम आप लोगों के लिए फिर से एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी है, जिसका हेडिंग है उर्दू अपनी ज़ुबान क्लास एट चैप्टर नंबर 22 मेहमान और इसका हल। ये एनसीईआरटी क्लास एट का उर्दू अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 22 का हल और उसका सोल्यूशन है। चैप्टर नंबर 22 के अंदर जो भी होमवर्क दिया हुआ है उसको इसके अंदर हल करने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है इसके अंदर लफ्ज़ और माना को। एक लाइन में लफ्ज़ होगा, दूसरी लाइन में माना, तीसरे लाइन में लफ्ज़, चौथे लाइन में माना। मीज़ान ये लफ्ज़ है, इसका माना है तराजू। यहाँ मुराद है हिसाब, यानी कहानी के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मीज़ान, वहाँ पर मतलब है हिसाब। बकाया ये लफ्ज़ है, इसका माना है बाकी। गुजारा ये भी लफ्ज़ है, इसका माना है बसर अवकात। ला हौला वला कुव्वता ये लफ्ज़ है, इसका माना है अरबी जुमला, यानी ये लफ्ज़ जो है ये अरबी का एक जुमला है। ड्यूढ़ी ये लफ्ज़ है, इसका माना है पुराने ज़माने के घरों की बाहरी कोठरी। हार्ट फेल होना ये लफ्ज़ है, इसका माना है दिल की हरकत बंद हो जाना, यानी मौत वाक़े हो जाना। तजवीज़ ये लफ्ज़ है, इसका माना है मशवरा राय। फराख ये लफ्ज़ है, इसका माना है कुशादा वसीय। आम के आम, गुठलियों के दाम, ये एक मुहावरा है, इसका माना होता है दोहरा फ़ायदा, यानी दुगुना फ़ायदा होता है तब कहा जाता है आम के आम भी हो गया और गुठलियों के भी दाम हो गया। अकलीम ये लफ्ज़ है, इसका माना है मुल्क, देश, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब जो अलग अलग मुल्क है उसको कहा जाएगा अकलीम। हफ्ते अकलीम ये लफ्ज़ है, इसका माना है सात मुल्क, मुराद सारी दुनिया है। ठीक। अल्लाह मारी ये लफ्ज़ है, इसका माना है जिस पर अल्लाह की मार हो, एक किस्म का कोसना, यानी अल्लाह मारी का लफ्ज़ जो बोला जाता है उस वक्त जब किसी पर लानत वगैरह करना हो या इसी तरीके से किसी को बुरा भला कहना हो तब। लेने के देने पड़ जाना ये लफ्ज़ है, ये आमतौर पर आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे। इसका माना और मतलब होता है नफ़ा की बजाय नुकसान पहुंचना। तार ये लफ्ज़ है, इसका माना है टेलीग्राम, यानी उस वक्त जो डाक घर से जो सामान आता था उसको तार कहा जाता था। शिकंजी ये लफ्ज़ है, इसका माना है लेमू के अर्क का पका हुआ शरबत। किया कराया तबाह हो जाना ये लफ्ज़ है, इसका माना है बना बनाया मंसूबा नाकाम हो जाना। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है सोचिए और बताइए, यानी क्वेश्चन आंसर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल दिया हुआ है जमील बार बार हिसाब क्यों जोड़ रहा था। इसका जवाब है जमील बार बार इसलिए हिसाब जोड़ रहा था ताकि वो ये जान सके कि महीने भर के खर्च के लिए उसके पास कितना पैसा बच रहा है। दूसरा सवाल है सुरैया की तजवीज़ से खुश होकर जमील ने क्या कहा। इसका जवाब है सुरैया की तजवीज़ से जमील खुश होकर ये कहा कि वो कल ही ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करेगा। सवाल नंबर थर्ड है जमील के घर मेहमान बनकर कौन लोग आए। जवाब है जमील के घर मेहमान बनकर सुरैया की सहेली नाज और उसके शौहर आए। सवाल नंबर चार है जमील और सुरैया ने अकबर और नाज का इस्तकबाल किस तरह किया। इसका जवाब है जमील और सुरैया ने अकबर और नाज का इस्तकबाल बड़ी ही बेदिली से किया, उन्हें लगा कि एक और मुसीबत उनके घर आ गई। जाहिर सी बात है जिसके यहाँ मेहमान बनकर नहीं बल्कि बोझ बनकर जाइएगा तो ऐसी मुसीबत आएगी ही। सवाल नंबर फाइव है अकबर और नाज की तरकीब क्या थी। इसका जवाब है अकबर और नाज की तरकीब ये थी कि वो सुरैया के घर मेहमान बनकर बहुत सारे पैसे बचा लेंगे जिससे वो नाजली के लिए कपड़े और शादी में लेन देन कर सकेगी।
सवाल नंबर 6 है, सुरैया की तरकीब क्यों नाकाम रही? इसका जवाब है, सुरैया की तरकीब इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि वो अपनी जिस सहेली नास के घर मेहमान बनकर जाना चाहती थी वो खुद अपने शौहर के साथ उसके घर आ गई। सवाल नंबर 7 है, अब तो लेने के देने पड़ गए, जमील ये क्यों कहा? यानी ये जुमला, अब तो लेने के देने पड़ गए, जमील ने ये क्यों कहा? इसका जवाब है, जमील के सर पर पहले से ही कई खर्च थे और मजीद मेहमान भी आ गए, इसलिए जमील ने ये बात कही। यानी पहले ही से उसके डॉक्टर का बिल भरना था, पानी का बिल भरना था और कई लोगों का कर्जा था, उसके बाद मेहमान भी उसके ऊपर से आ गए, इसलिए जमील ने ये बात कही थी, अब तो लेने के देने पड़ गए। सवाल नंबर 8 है, सुरैया ने मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए क्या तरकीब सोची? इसका जवाब है, सुरैया ने मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए अपनी खाला के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। सवाल नंबर 9 है, सुरैया की तरकीब नाकाम कैसे हुई? इसका जवाब है, सुरैया की तरकीब इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि उसकी खाला खुद मेहमान बनकर उसके घर आ गई। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए, यानी जिसको आप इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। सबसे फर्स्ट जुमला है, बार बार गिनने से इन रकमों की मीज़ान कम हो जाएगी। मीज़ान का लफ्ज़ आपका रेड कलर में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। क्यों ना आए, अल्लाह के फजल से खाता पीता घर है। फजल का लफ्ज़ आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तमाम बिल अदा कर दें तो खुद यतीम खाने में दाखिल हो जाए या पेट पर पत्थर बांध ले। यतीम खाना पत्थर का लफ्ज़ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। मैं अभी सूंघने की दवा की शीशी लाता हूँ, लफ्ज़ की या आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। जी नहीं, अलीगढ़ वाली खाला आई हैं, अलीगढ़ वाली खाला फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है, उससे आपको जुमला बनाना है। मीज़ान ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। किसान पैदावारों को मीज़ान करते हैं। मीज़ान मतलब होता है तौलना, तो जो भी आपका फसल होता है उसको तौला जाता है, इसलिए यह जुमला बनाया गया है। किसान पैदावारों को मीज़ान करते हैं यानी तौलते हैं। गुजारा यह लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। इतने कम पैसे में गुजारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तजवीज़ ये भी लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। सुरैया ने एक तजवीज़ पेश की। फराख ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। मेज़बान को फराख दिल होना चाहिए। मेहमान ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। मेहमान का इस्तकबाल करना चाहिए। फजल ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। अल्लाह के फजलो करम से हम अच्छे हैं। प्रोग्राम ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है। हैरानी ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। चोर को देखकर लोगों को हैरानी हुई। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, इमला दुरुस्त कीजिए। यानी कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है, उसको गलत तरीके से लिखा गया है, आपको उसको सही तरीके से लिखना है। जैसे मजाक, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसका सही और दुरुस्त इमला होगा मजाक। ड्यूड़ी, इसमें हा छोड़ दिया गया है, इसको सही तरीके से लिखा जाएगा ड्यूड़ी। बकाया, इसमें छोटी काफ से लिखा गया है, ये गलत है, इसको सही तरीके से लिखा जाएगा बकाया। फजल, ये जीम से लिखा गया है, ये गलत है, इसको अच्छे तरीके से लिखा जाएगा फजल। गलती, छोटी ता से लिखा गया है, इसका सही इमला है गलती। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो के लिए।